एंड सार्स किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज घर पे एकदम आसान तरीके से, जिसके लिए मैंने पत्ता गोभी को यहाँ पे देखिए क्रश कर लिया है, और ये गाजर है, प्याज है, यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने क्रश करके रख लिया है। और इसको मैं अब एक बर्तन में ट्रांसफर करूंगी, और ट्रांसफर करके इसमें नमक डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि सारा पानी इसमें का निकल जाए और हमें जो फिलिंग करने में हो पानी नहीं छोड़े और दिक्कत नहीं हो। तो ये देखिए मैं गाजर प्याज और पत्ता गोभी को मिक्स कर दे रही हूँ। इसी के साथ मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अभी मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च नहीं डालूंगी, इसका जब पानी निकालूंगी उसके बाद डालूंगी। देखिए 10 मिनट हो गया है, अब इसमें से सारा पानी मैं निचोड़ ले रही हूँ। आप हाथ से भी दाब के कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक कपड़ा ले ली हूँ और इसी में सारे को ट्रांसफर करूंगी, और इसी से निचोड़ के मैं सारा पानी एक ही बार में निकाल दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं कर दे रही हूँ, और इससे मैं इसको अब दाब के सारा पानी इससे एक ही बार में निकल जाएगा। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है, इसका सारा पानी निकाल देना है। तो ये देखिए किस तरह का मेरा ड्राई टाइप से हो गया है। इसी तरह का हमें फिलिंग के लिए चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जब मैं डो में डालूंगी, पूरी में जो मोमोज का पूरी बनाऊंगी उसमें डालूंगी तो फटने लगेगा। इसी के साथ मैं क्रश किया हुआ इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें कूटा हुआ काली मिर्च डालूंगी, और नमक चूंकि मैं पहले थोड़ा सा डाली थी तो उसको निचोड़ के निकाल दी थी, तो फिर से मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें 1 ढक्कन विनेगर यूज करूँगी, इसमें विनेगर डालूंगी, और ये मेरा फिलिंग रेडी हो गया। इसको मिक्स करूँगी। तो ये देखिए हमारा आटा रेडी हो गया है। मैं 1/2 kg आटा ली थी, और इसमें 2 बड़ा टेबल स्पून रिफाइन ऑयल डाली थी, और नमक डाली थी 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब मैं इसका पूरी बना रही हूँ। तो ये देखिए हमने 1 बड़ा सा पूरी बना लिया है, और इसको मैं एक ग्लास ले ली हूँ, और इस ग्लास से क्या करूंगी, कट कर दूंगी, ताकि मेरा एक साइज का पूरी बने और एक बार में बहुत सारा बन जाए। क्योंकि मेन जो परेशानी होती है लोगों को, ये पूरी बनाने में ही होती है। तो एकदम इजिली आपको इससे एक बार में 5 से 7-8 भी बन जाएगा। और इसके बाद मैं इसको फिलिंग करूंगी। तो ये देखिए मैं इसे इसमें फिलिंग कर रही हूँ। आप अपने अनुसार आप इसका जो डिजाइन है आप दे सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें सारे पूरी को बना लेना है, पूरी में फिलिंग कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा मोमोज रेडी हो गया, स्टीम हो गया अच्छे से। मैंने इसमें कपड़ा डाल दिया था, चूंकि कपड़ा इसलिए डाली थी कि इसमें सटे नहीं, बर्तन में सट जाता है विदाउट कपड़े के, तो इससे आराम से निकल जाएगा। देखिए इस तरह से अब मेरा रेडी हो गया मोमोज। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा मोमोज रेडी हो गया है, एकदम मार्केट के जैसा मेरा मोमोज रेडी हुआ है। अगर मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चटनी का वीडियो सबसे पहले डाला हुआ था, इससे पहले डाला हुआ था वीडियो डाला हुआ है।